हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मनीष सक्सेना और आज इस वीडियो में मैं आपको दिखा रहा हूँ मेरी ये साइक्लोरामा वॉल यानी कि साइक वॉल, जहाँ ये हमारा एक पूरा वाइट वॉल है जो हमने स्टूडियो में बनाया था। बस अभी कल हमने यहाँ पे एक शूट किया था जहाँ पे कुछ हमें शॉट्स चाहिए थे, कलर्स डालने थे मॉडल्स के ऊपर, एक एड कैंपेन का शूट था, तो यहाँ काफ़ी मेस हो गया और आप देख रहे हो कि पूरी मेरी जो है ये साइक्लोरामा वॉल जो है कम्प्लीटली ख़राब हो गई है, डैमेज हो गई है, तो करना पड़ेगा रीपेंट। तो ये मैंने वीडियो इसीलिए बनाया है ताकि आप देखें जब इस तरह से काम होता है प्रोडक्शन का तो बाद के उसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होते हैं और फिर कैसे इसको रीपेंट किया जाता है। तो आज हमारे यहाँ पे जो है हमारे पेंटर्स आए हैं और आप देख पा रहे हो पीछे वो सारा पेंटिंग का काम शुरू हो गया है, तो देखते हैं वापस हमें वाइट वॉल मिलती है कि नहीं। आप देख रहे हैं हमारे साथ है हमारे भी पेंटर भाई सदानंद जी आए हैं, ये पूरा पेंट करेंगे, इनकी टीम है यहाँ पे। तो सदानंद जी बताओ कि ये जो वॉल है ये कितना टाइम लगेगा और क्या क्या करने वाले हो इसको, क्या कैसे ठीक होगा सारा ये? इसको तो पहले हम लोग घसाई करेंगे, हाँ, फिर उसके बाद पुट्टी भर के घसाई करके उसके दो बार कलर मारेंगे। दो बार कलर मारना पड़ेगा तो ये अपना वैसे हो जाएगा जैसा पूरा व्हाइट था? हाँ बिल्कुल वैसे। और जो कलर अपन यूज कर रहे हैं वो वुड वाला ही है, इसके ऊपर जो लगाएंगे जो वुड के ऊपर है पूरा नॉन रिफ्लेक्टिव। हाँ, ये दो दिन टाइम लगेगा, ये सब सही हो जाएगा, सब सही हो जाएगा। सर, वो कलर आप जो मारे हैं कलर, हाँ, उससे अच्छा है पूरा। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि भैया जो ये जो कलर करेंगे आप हमारे इस पे साइक वॉल पे, वो जो हमने पहले कलर किया था उससे भी अच्छा कलर है, तो दैट इज गुड। और लेकिन अब ये है कि दो दिन का टाइम बताया इन्होंने लगेगा, तो दो दिन अभी हम लोग कुछ शूट कर नहीं पाएंगे। और ये वीडियो बनाने का मकसद भी है कि आप लोग अगर इस तरह की वॉल अपने स्टूडियो में बनाएं या आपको इस तरह की प्रॉब्लम फेस हो तो ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो भैया आप देख रहे हो यहाँ इनको लग गए हैं पूरे 3 घंटे, ये एक इनका नीचे इन्होंने थोड़ा थोड़ा कर लिया है, तो कलर जो है अभी थोड़ा थोड़ा जाने लगा है जो गंदा हुआ था। एक बार पूछ लेते हैं इनसे, तो भैया अभी कितना ये क्या एक क्या 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 हो गया है अभी? हाँ, एक फुट और मारना, उसके बाद क्रेक फिलिंग करना है, क्रेक फिलिंग करने के बाद तब कलर एक फाइनल करेंगे, उसके बाद एक और लगाओगे, मतलब अभी नीचे करने के बाद पूरे जो क्रैक्स रह जाएंगे वो फिल करना है पूरा, ताकि पूरा अपना विदाउट गैप एकदम बढ़िया साइकिल दिखेगी। हाँ। उसके बाद दोबारा फिर इसको पूरा तो पूरा दोबारा एक बार कलर मारेंगे तो रेडी हो जाएगा। हाँ। तो अब कितना टाइम और लग जाएगा इसमें भैया? कल लगेगा एक दिन पूरा लग जाएगा, एक दिन पूरा जाएगा। तो दोस्तों आप देख रहे हैं हमारी हो गई है पेंटिंग कंप्लीट, यानी कि दो दिन का टाइम लगा और पेंटर्स ने काम किया बहुत ही अच्छा।
और आप देख पा रहे हो कि हमारी जो है साइकिल हो गई कंप्लीटली ब्रांड न्यू। तो मैं एंटर करता हूं और देखते हैं कि हमें अब जो इंफिनिटी का लुक मिलता है या नहीं मिलता है। तो यहां से मैं कर रहा हूं एंटर, थोड़ा सा प्लास्टिक डाल दो भाई, नया नया पेंट कराया, थोड़ा गंदा ना लगे। सो आप देख रहे हैं ये है पूरा कंप्लीट इंफिनिटी लुक। देखिए पूरा अनंत, आपको लगेगा कि बहुत ही बड़ी जगह है, कंप्लीटली व्हाइट इफेक्ट आ रहा है और कर्व होने की वजह से, यहां पर देखिए कर्व होने की वजह से जो है ये हमें मिलता है इस तरह का लुक। तो बिल्कुल हमारी ब्रांड न्यू हो गई है साइक्लोरामा वॉल, आप देख पा रहे हैं देखिए इस तरह से कंप्लीटली ब्रांड न्यू। और दोस्तों ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि मैं आपको दिखा सकूं कि किस तरह से जो है हमारा साइक वॉल जो है रीपेंट हुआ है, दोबारा से पेंटिंग की गई है और ये कितना यूजफुल होता है फोटोग्राफी में भी और सिनेमेटोग्राफी में भी। यहाँ पर आप इंटरव्यू शूट कर सकते हैं, ई कॉमर्स का काम कर सकते हैं, छोटे मोटे सेट लगा सकते हैं, स्पेशली जो व्हाइट बैकग्राउंड की इमेजेस हैं उसके लिए होता है काफी अच्छा। तो बस एक छोटा सा मैंने एक वीडियो बनाया था, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह की फोटोग्राफी टिप्स एंड ट्रिक्स ट्यूटोरियल देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, जल्दी मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ।